नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अन अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान 360। राजस्थान 360 पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरपीसी के जो एग्ज़ाम है वो फाइट कर सकते हैं। अबाउट मी, मेरे बारे में, तो मैं हूँ लीलाधर प्रजापत, एम ए नेट हिस्ट्री से। टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 8 वर्ष का है, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। और आल राजस्थान के एग्ज़ाम में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री पर अध्यापन कार्य करवाता हूँ। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी, जैसे डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो मिलेगी और अनलिमिटेड एसेसरीज है वो प्राप्त होगी। इसके 12 महीने का चार्ज जो है वो 7,000 रुपये है, 24 महीने का जो चार्ज है वो है 8,400 रुपये, और अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो लीला10 तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। 10% के डिस्काउंट के साथ 12 महीने का चार्ज रहेगा 6,300 रुपये, 24 महीने का चार्ज रहेगा 7,560 रुपये। प्रोमो कोड याद रखना लीला10। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास में अपन राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, दुर्गों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह हमें मनुस्मृति में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख किस में किया गया है, मनुस्मृति में किया गया है। कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के जो दुर्ग है वह बताए हैं। कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, 4 प्रकार के दुर्ग है वो अर्थशास्त्र में बताए हैं। वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग और औदन यानी जल दुर्ग, औदक दुर्ग भी इसे बोलते हैं। शुक्र नीति जो है, इसमें शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अपन देखते हैं दुर्गों के प्रमुख प्रकार। पहला दुर्ग है वन दुर्ग। वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, जो एक विशाल जंगल के मध्य में कंटीली झाड़ियों में घिरा हुआ है। कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनके मध्य में स्थित जो दुर्ग होता है उस दुर्ग को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे रणथंबोर दुर्ग है, शिवाना दुर्ग है, ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो पहला है वन दुर्ग। दूसरा है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग है वो वन दुर्ग का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या होना चाहिए कि जंगल होना चाहिए, कंटीली झाड़ियाँ भी होनी चाहिए और साथ में उस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई भी होनी चाहिए। जैसे रणथंबोर का किला है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो एक विशाल जंगल के अंदर स्थित है और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है और दुर्ग के चारों ओर जो गहरी खाई भी है, तो ऐसा जो किला होता है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग वह किला जो किसी ऊंचे पठार पर या पर्वत पर बना हुआ है, तो वह किला जो है वह है गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे आपके सामने, जैसे आप रणथंबोर का किला ये देख रहे हो, तो ये जो रणथंबोर का दुर्ग है जो मेसा के पठार पर बना हुआ है, ये किसकी श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान के जो लगभग किले हैं वो लगभग किले गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के लगभग किले जो है दुर्ग है वह गिरि दुर्ग की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ अरावली पर्वतमाला बीचों बीच से निकलती है, तो अरावली की पहाड़ियों पर है वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग किले जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। चौथा जो दुर्ग का प्रकार है वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग जो है वो विशाल रेत के मरुस्थल के मध्य में बना हुआ होता है, उसको
धन्वंतरि की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, आप देख रहे हो, जैसलमेर का किला जो धन्वंतरि की श्रेणी में आता है। जैसलमेर की दो तस्वीरें आप देख रहे हो, एक छोर से दूसरे छोर। इस छोर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुदूर में ये देखिए जैसलमेर का किला है वो बना हुआ है, और इस तरफ से किले की देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है इसमें पूरा विशाल एक अथाह है, मरुस्थल है, और इसी विशाल मरुस्थल के मध्य में ये जैसलमेर का जो किला है वो बना हुआ है, जो धन्वंतरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे वाला किला है जल दुर्ग। जल दुर्ग जिसे औद्योग दुर्ग भी कहा जाता है, जल दुर्ग को क्या कहते हैं, औद्योग दुर्ग कहते हैं, वह किला जो एक विशाल जल राशि के मध्य में स्थित है। तो विशाल जल राशि के मध्य में स्थित जो किला होता है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो आप देख रहे होंगे, गागरौन का जो किला है, ये गागरौन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसकी सुरक्षा का कार्य वह है कौन करता है, एक विशाल ये जल राशि है वो करती है, जिसके मध्य में ये गिरा हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर ये गागरौन का किला है वो बना हुआ है। सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है, जिस किले की सुरक्षा का कार्य जो है वह है रिश्तेदारों, राजा के सगे संबंधियों रिश्तेदारों के द्वारा है, वह किले की सुरक्षा का कार्य किया जाता है, तो वो किला सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान में इस प्रकार के इस श्रेणी के किले नहीं पाए जाते हैं। सहाय दुर्ग की श्रेणी के जो सर्वाधिक किले हैं उन किलों का निर्माण है वो भैया महाराष्ट्र में हुआ है, और महाराष्ट्र में शिवाजी परंपरा के जो किले हैं वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान में ऐसा एक भी किला नहीं है, हालांकि कुछ इतिहासकार वगैरह जो है वह शिवाणा का जो किला है इसको इस अपवाद के रूप में मानते हैं, शिवाणा का किला, इसे सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जब जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो उस समय शिवाणा पर भी आक्रमण हुआ था, और कानड़देव चौहान का ही रिश्तेदार था भतीजा शीतल देव, उस समय शिवाणा की सुरक्षा कर रहे थे और किले की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं, तो शिवाणा जो है वो इसमें अपवाद माना जाता है। सातवां है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है, जिस किले के चारों तरफ है वो सैनिक घेराबंदी की जाती है, यानी किले की सुरक्षा का जो कार्य है वह है सेना के द्वारा किया जाता है। तो सेना द्वारा सुरक्षा का कार्य किया जाता है, घेराबंदी जो की जाती है उस किले को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और राजस्थान के लगभग सभी किले जो है वो इसकी श्रेणी में आते हैं, यानी सैनिक घेराबंदी है वो लगभग राजस्थान के सभी किलों में की जाती थी। भूमि दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है, वह किला जो एक समतल भूमि पर बना हुआ होता है, इस किले को भूमि दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। एक समतल भूमि पर जमीन पर बना हुआ जो किला है, कोई पहाड़ी वगैरह नहीं, तो उस किले को भूमि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बीकानेर का जूनागढ़ आप देख रहे हो, ये भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है बीकानेर का जूनागढ़। और भरतपुर का जो किला है ना भरतपुर, तो भरतपुर का किला भी किस में आता है, भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। एक होता है पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग कौन सा किला होता है, जिस दुर्ग के चारों ओर विशाल गहरी खाई हो। अब जैसे भरतपुर का किला है और बीकानेर का जूनागढ़ है, ये पारिख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और भी बहुत सारे किले हैं जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। अब देखिए इसमें जो भरतपुर वाला किला है इसकी खाई है वो बड़ी गहरी है, विशाल है, काफ़ी चौड़ी है आप देख रहे होंगे, और जो पानी से लबालब रहती है, भरी हुई रहती है, जबकि किले में आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सके। तो इस प्रकार के जो किले हैं वह है जिसके चारों गहरी खाई हो वो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारिद दुर्ग, पारिद यानी दीवार होती है, और जिस किले की सुरक्षा है तो ऊंची प्राचीर दीवार परकोटा जो बना होता है उस किले को पारिख दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कुंभलगढ़ का किला, जो आप देख रहे हो
कुंभलगढ़ का जो किला है, इस कुंभलगढ़ की दीवार जो है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी और चौड़ी दीवार है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसकी जब वो लगभग है वो 36 किलोमीटर लंबाई है, 36 किलोमीटर लंबी है और ये 7 मीटर तक चौड़ी है। इस पर कहते हैं चार घुड़सवार, देख सकते हो आप, चार घुड़सवार जो है वो इस दीवार पर एक साथ चल सकते हैं। ये देखिए कुंभलगढ़ किले की दीवार जो यहाँ से देखिए किले के अंदर से होती हुई है, वो इस प्रकार से ये घूमती हुई, ये चारों तरफ से घूमती हुई इधर जाती है। ये देखो आगे भी, और पूरा आगे विशाल एक परकोटा है वो तैयार करती है। तो ये अपने राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख किलों के प्रकार है, याद रखना, ठीक है। शुकर नीति में 9 प्रकार के किले बताए गए हैं, तो प्रमुख ये प्रकार है। एक बार दोबारा देख लो, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग, जल दुर्ग, सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, भूमि दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारित दुर्ग, ठीक है। राजस्थान में जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य का जो जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, जिसका वर्णन है वो वीर विनोद के रचनाकार श्यामलदास ने किया है। और श्यामलदास बताते हैं जो है कि भैया जो मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग है, इनमें से 32 का जो निर्माण है वो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो कुंभा जो है इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अपन ने पढ़ा किलों के प्रकारों के बारे में। कल की क्लास में अपन राजस्थान के प्रमुख किले हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।